हाँ तो सदनों, मैं आपको एक छोटी सी शंकर जी की लीला सुना देता हूं। एक समय की बात है, एक बार भगवान शंकर और पार्वती दोनों मृत्यु लोग घूमने के लिए आ जाते हैं। तब अयोध्या के अंदर भगवान विष्णु राजा दशरथ था, अयोध्या का रहने वाला, उसके आकर के अवतार ले लेते हैं इन पापियों का नाश करने के लिए। तो मेरे सदनों, क्या भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है? अगर 14 वर्ष का वनवास नहीं मिलता तो भगवान इन पापियों का नाश नहीं कर पाते। तो 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है राम और लक्ष्मण और सीता को। तब सीता को रावण चुरा करके ले जाता है। ले जाने के बाद में राम लक्ष्मण दोनों हाय सीता करते हैं, और उसी टाइम पार्वती और शंकर दोनों मृत लोग घूमने के लिए आ गए। तब पार्वती कहने लगी, बोला भगवान ये दो बालक कौन है, सीता कौन है? बोला पार्वती, भगवान शंकर कहने लगे कि पार्वती सीता वो है जो एक लक्ष्मी, और जो ये राम है ये राम नहीं, ये भगवान विष्णु है। बोले इस बात को मैं नहीं मानती। बोले मेरी बात मान। बोला नहीं, मैं तो इनकी जरूर परीक्षा लेऊंगी। तो मेरे सजनों, आगे क्या बात बनती है? भाई शिव समान दाता नहीं तो विपत वितारन हार, लज्जा मोरी राखिए श्री पार्वती भरतार। गुरु का ले लिया आसरा है गुरु गरीब नमाज, हृदय ज्ञान दीपक जगे तो जाए अंधेरो भाज। तो शंकर भगवान पार्वती से समझाते हैं। शंकर बार बार समझाई, सुनो सती दे ध्यान भोला। बार बार समझाई, सुनो सती दे ध्यान शंकर। बार बार समझाई, सुनो सती दे ध्यान शंकर। बार बार समझाई, सुनो सती दे ध्यान। नर लीला रच रहे हैं प्रभु, नर लीला रच रहे हैं प्रभु, सब जग के दरम्यान प्रेम से सारी कथा सुनाई। जय शंकर भगवान प्रेम से सारी कथा सुनाई। जय शंकर भगवान शंकर। बार बार समझाई, सुनो सती दे ध्यान। शंकर बार बार समझाई, सुनो सती दे जान। अवधपुरी दशरथ की नगरी लिया प्रभु अवतार जी। अवधपुरी दशरथ की नगरी लिया प्रभु अवतार जी। अवधपुरी दशरथ की नगरी लिया प्रभु अवतार। कौशल्या की कौं के सजनिया राजा राम कुमार नगर में बटने लगी बधाई। जय शंकर भगवान नगर में बटने लगी बधाई। जय शंकर भगवान शंकर। बार बार समझाई, सुनो सती दे जान। सदनों बताया
बोला भाई शंकर बार बार समझाई सुनो सती दे ध्यान, नरलीला रस रहे हैं प्रभु सब जग के दरमियान, प्रेम से सारी कथा सुनाई सुनो सती दे ध्यान। भगवान शंकर पार्वती से खूब समझा लेता है लेकिन पार्वती के एक भी समझ में नहीं आती है। बोला भाई अवधपुरी दशरथ की नगरी लिया प्रभु अवतार, कौशल्य की कुंक से जन्मिया राजा राम कुमार, नगर में बटनी लगी बधाई जय शंकर भगवान। बताया नंबर दूसरे तो भगवान शंकर कहने लगा बोला पार्वती मेरी बात मान, दूजी माता के कहने से लिया प्रभु बनवासी, दूजी माता के कहने से लिया प्रभु बनवास जी, दूजी माता के कहने से लिया प्रभु बनवास, आ दूजी माता के कहने से, दूजी माता के कहने से लिया प्रभु बनवास जी, दूजी माता के कहने से लिया प्रभु बनवास। माता पार्वती मानी ना नहीं किया विश्वास, माता पार्वती मानी ना नहीं किया विश्वास, परिग चलने की मन में जचाई सुनो सती दे ध्यान, शंकर बार बार समझाई सुनो सती दे ध्यान, शंकर बार बार समझाई सुनो सती दे ध्यान। शंकर भगवान पार्वती से कहने लगा बोले भाई दूजी माता के कहनी से, केकई के कहनी से भगवान राम को वनवास मिला था 14 वर्ष का, बोले भाई दूजी माता के कहनी से लिया प्रभु वनवास, माता पार्वती मानी ना नहीं किया विश्वास, परीक्षा लेने की मन में जचाई जय सुनो सती दे ध्यान। तो बताए वेश बना सीता का गोरा प्रभु जी के आगे आई, वेश बना का गोरा प्रभु जी के आगे आई, आवेश बना सीता का गोरा, वेश बना सीता का गोरा प्रभु जी के आगे आई, आ पार्वती उसियारी करके खूब करी चतुराई, वो तो सीता बन कर आई सुनो सती दे ध्यान, वो तो सीता बन कर आई सुनो सती दे दान, शंकर बार बार समझाई सुनो सती दे दान, भोला बार बार सदनों बताया है। बोले भाई वेश बना सीता का गोरा प्रभु जी के आगे आई, पार्वती सीता का वेश बना करके भगवान के आगे आ जाती है, बोला भाई अगर जो ये भगवान विष्णु है तो मेरे को फौरन पहचान जाएगा, वेश बना सीता का गोरा प्रभु जी के आगे आई और पार्वती उसियारी करके खूब करी चतुराई, वो तो सीता बन के आई सुनो सती दे ध्यान। तो मेरे सदनों वो तो भगवान विष्णु था, देखते ही जान गया। तो बताए हाथ जोड़ कर श्री राम जी अपना शीश नवाया जी, हाथ जोड़ कर श्री राम जी अपना शीश नवाया जी, हाथ जोड़ के श्री राम जी अपना शीश नवाया, हाथ जोड़ कर श्री राम जी, हाथ जोड़ कर
अपना शीश नवाया। आयो के वेश बनायो माता श्री राम फरमाया, यो के वेश बनायो माता श्री राम फरमाया, गोरा इतनी सुन चकराई सुनो सती दे ध्यान, गोरा इतनी सुन चकराई बना सीता का गोरा प्रभु जी के आगे आई और यो के वेश बनायो माता, वेश बना सीता का गोरा प्रभु जी के आगे आई, पार्वती होशियारी करके खूब करी चतुराई, वो तो सीता बनकर आई, सीता बनकर के आ जाती है। तो मेरे सदनों हाथ जोड़ करके भगवान कहने लगे, हाथ जोड़कर श्री राम जी अपना शीश नवाया, यो के वेश बनायो माता श्री राम फरमाया, गोरा इतनी सुन चकराई सुनो सती दे ध्यान। पार्वती इतनी सुनकर के बहुत लाचार होगी, बोले भाई वाकई के अंदर तो भगवान विष्णु ही। तो मेरे सजनों, तो क्या भगवान विष्णु अपनी माया पार्वती को दिखाते हैं? तो पार्वती हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे प्रभु जी भूल हो गई मैं अब माफी चाहूं, हे प्रभु जी भूल हो गई मैं अब माफी चाहूं, हे प्रभु जी भूल हो गई मैं अब माफी चाहूं। भगवान भगवान विष्णु से कहने लगी, बोले भाई हे प्रभु जी भूल हो गई मैं अब माफी चाहूं, ऐसा काम करूं नहीं अब के था कि सौगन खाऊं, गोरा के बात समझ में आई सुनो सती दे ध्यान, शंकर बार बार समझाई। हाँ तो सजनो, क्या भगवान विष्णु पार्वती से क्या अपनी माया को दिखाते हैं? अरे 33 करोड़ गई देवता सजनों, ओ तैतीस करोड़ गई देवता सजनों, माता को दिखाया
भगवान बैठा आसन पर शेषनाग मंडराया। लक्ष्मी सरी सी नारी अरे बैठ पगा जा पाव दाबरई लक्ष्मी सरी सी नारी। असुर संगारत भगत उबारत असुर संगारत भगत उबारत शेष नाग की असवारी। भगवान राम सब ईश्वर तू ही है वो गिरधारी। भगवान राम सब ईश्वर तू ही है वो गिरधारी। पार्वती लाचार हो गई समेत प्रभु तेरी माया। विष्णु भगवान बैठा आसन पर शेषनाग मंडराया जी। मेरे सदनों बोले भाई 33 करोड़ दई देवता सदनों माता को दिखाया विष्णु भगवान बैठा आसन पर शेषनाग मंडराया। शेषनाग कौन था? लक्ष्मण। मेरे सदनों तो बताया बोले भाई बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा कर रहे ताबेदारी बैठ पगाचा पांव दावरी लक्ष्मी श्री सी नारी। जो सीता थी वो एक लक्ष्मी थी। बोले भाई भगत उबारण सबको त्यारत भगत उबारत सबको त्यारत शेष नाग की असवारी। भगवान राम सब ईश्वर तू ही है वो गिरधारी। मेरे सदनों तो पार्वती लाचार हो जाती है। मतलब भाई पार्वती लाचार होगी समेट प्रभु तेरी माया। विष्णु भगवान बैठा आसन पर शेष नाग मंडराया। तो मेरे सदनों पार्वती हाथ जोड़ करके भगवान से माफी मांग करके वहां से रवाना हो जाती है। भगवान शंकर के पास में आ जाती है। भगवान शंकर उस पार्वती से पहले ही समझाया था तो बताया उदास हो गई और पास में आकर के बैठ जाती है। पार्वती चल करके सजनु भोले के पास में आती है। चुप कैसी आ बैठी पास में चेहरे पे बहुत उदासी है। चुप कैसी बैठी पास में तेरे पे बहुत उदासी है। चुप कैसी आ बैठ पास में तेरे पे बहुत उदासी है। चुप कैसी आ बैठ पास में तेरे पे बहुत उदासी है। पड़ गई काया
पार्वती भगवान शंकर के पास में आ जाती है और आकर के उदास होकर के पास में बैठ गई, कुछ भी नहीं वातावरण बताई। तब उदासी का कारण देख करके भगवान शंकर कहने लगे, बोले भाई आज इतनी उदास क्यों है? लेकिन मैं इसे पहले ही समझाया था। भगवान शंकर भी उस बात को पहचान गए। इतनी सुन के शंकर बोले तेरे बात समझ में आई, आईदा तू जिद मत करना सारी बात बताई, ओ आईदा तू जिद मत करना सारी बात बता ली। अगर कोई राजकुमार होता तो बना लेता लुगाई, शिव शंकर के वचन सुने जब पार्वती शर्माई, आ शिव शंकर के वचन सुने तब पार्वती शर्माली, आ शिव शंकर के वचन सुने जब पार्वती शर्माई, शिव शंकर के वचन सुने जब पार्वती शर्माई। समझ में आई, आईंदा तू जिद मत करना सारी बात बताई। बोले भाई आईंदा के लिए ऐसी जिद मत करना, वो तो एक भगवान असलियत में भगवान विष्णु था, अगर कोई राजकुमार होता तो बना लेता लुगाई, और शिव शंकर के वचन सुने जब पार्वती समाई। तो मेरे सदनों ऐसे वातावरण करते करते नारद क्यों नहीं आ जाता? नारद बताया कवि ने, बोले भाई ब्रह्मा का पुत्र नारद मेरा नाम, इधर उधर की बातें बनाना यही मेरा काम। नारद एक घर का 18 घर करने वाला, बोले भाई चोटी पकोड़ हरि हरि बोले नारद चलकर आया, विष्णु भगवान बैठा आसन पर शेषनाग मंडराया। तो नारद जी आकर के भगवान शंकर से कहने लगे, नारद बोला शिव शंकर से पार्वती रखी नहीं, ये बात कही नारद जी बोलते रे ये सही नहीं, ओ या के बात कली नारद जी बोल तेरे ये सही नहीं, सासी बात बताने में बोला लगता कुछ भी काम नहीं, पड़े छोड़ना पार्वती को जानोगे भी आप नहीं, पड़े छोड़ना पार्वती को जानोगे आप आप नहीं, अपने छोड़ना पार्वती को जानोगे भी आप नहीं, पर छोड़ना पार्वती को जानोगे एक आप नहीं। राजेंद्र राव का गुरु बाप की और भगवान बैठा आसन पर शेषनाग मंडराया जी, भगवान बैठा आसन पर शेषनाग मंडराया, ओ, 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 ओ।
नाद मंदिरा। मेरे सदनों, नारद बोला शिव शंकर से पार्वती आ रही नहीं। नारद जी आकर के भगवान शंकर से कहने लगे, बोला भाई ये पार्वती नहीं है। तो बोले तो सीता है। नारद बोला शिव शंकर से पार्वती आ रही नहीं, या के बात कही नारद जी बोल तेरे ये सही नहीं। भगवान शंकर कहने लगा, बोला नारद जरा होश करके बोल, ये पार्वती है। बोला भगवान पार्वती नहीं। बोला भाई सांची बात बताने में भोला लगता, कुछ भी पाप नहीं। नारद जी कहने लगा कि सांची बात बताने में कोई पाप नहीं लगता, सांची बात बताने में भोला लगता कुछ भी पाप नहीं, पड़े छोड़ना पार्वती को जानोगे भी आप इस बात को अच्छी तरह से नहीं पहचानोगे। क्योंकि अगर इस बात को आप अच्छी तरह से पहचान दोगे तो पार्वती छोड़ना, आपको पार्वती छोड़ना ही पड़ेगा। बोले भाई क्यों? क्योंकि ये सीता बनकर के भगवान की परीक्षा ली। अगर जब भगवान नहीं होता और कोई राजकुमार होता तो उसको औरत बना लेता। बोले भाई ये तो पतिव्रता औरत तो नहीं है। भगवान शंकर को फिर होश आया। बोले भाई राजेंद्र राव का गुरु बाप ही गुरु ज्ञान अमोलक पाया, विष्णु भगवान बैठा आसन पर शेषनाग मंडराया। तो मेरे सदनों, नारद के वचन सुनकर के भगवान शंकर को होश होता है। शिव शंकर को होश हुआ, रे बात तेरी या सांची रे बात तेरी या सांची। शिव शंकर को होश हुआ, ले बात तेरी या सांची रे बात तेरी या सांची। क्या पार्वती पतिव्रता को न्या बात बना ली पाती रे, पार्वती पतिव्रता को न्या वो बात बना ली पाती। बात तेरी या सांची, या पार्वती पतिव्रता को ना बात बना ली। पर मेरे सदनों, बात खेंच तान करके पाकी हो गई। तो बताया है, क्या पार्वती को भगवान शंकर तलाक दे, भगवान शंकर तलाक देकर के छोड़ देता है, और फिर क्या पार्वती दोबारा कैसे शंकर भगवान को अपनाती है। पार्वती से बोला, बोला अब तुझको मैं रखता नहीं, अब तुझको मैं रखता नहीं। पार्वती को बोला, बोला अब तुझको मैं रखता नहीं, अब तुझको मैं रखता नहीं। मत ना सोच हाँसिया सांची झूठी बात में, बकता नहीं रे झूठी बात में बकता नहीं। मत ना सोच हाँसिया सांची झूठी बात में बकता नहीं, झूठी बात में बकता नहीं। दाग लाग जा जिस तेरी के उसे दोबारा चपता नहीं, कोई उसे दोबारा चपता नहीं। दाग लाग जा जिस तेरी के उसे दोबारा चकता नहीं, उसे दोबारा चकता नहीं। कदा मास में नमक पड़े बिन सुन गोरामो पकता नहीं, सुन गोरामो पकता नहीं। कदा मास में नमक पड़े
सुन गोरा वो पकता नहीं, बाई सुन गोरा वो पकता नहीं। आवूत दूत देना चाहो तो मत ना छोटो का चीर, ऊट दूत देना चाहो तो मत ना छोटो का चीर। पार्वती पति बढ़ता को पार्वती पति भरता को ना बात बना ली पाकी। शंकर को होश हुआ रे बात तेरी आशा। मेरे सदनो, मोला भाई पार्वती से बोला भोला, अब तुझको मैं रखता नहीं, और मत ना सोचे हंसी या सांची झूठी बात में बगता नहीं। मोला भाई इसको हंसी मत जान, इसको सांची जान ले। मोला भाई दाग लाग जा जिसके रे में उसे दोबारा चखता नहीं, और गधा मांस में नमक पड़े बिन सुन गोरा वो पकता नहीं। बोले भाई ऊत जूत देना चाहो तो मत ना छोड़ो काची, पार्वती पतिव्रता को ने बात बना ली। तो फिर बताया नंबर दूसरे। पार्वती के दाग लाग गयो रो रो रुदने मचावर ले रो रो रुदने मचावे। पार्वती के दाग लाग गयो रो रो रुदन मचावे रे ले रो रो रुदन मचावे। हाय विदाता बुरी करी आंसूड़ा टप कावर ले आंसूड़ा टप कावे। हाय विदाता बुरी करी ले आंसूड़ा टप कावे रे ले आंसूड़ा टप कावे। तलाक दे कर शिव शंकर जी अलग अस्थाने बनावर जा अलग अस्थाने बनावे। तलाक दे के शिव शंकर जी अलग अस्थान बनावे रे अलग अस्थान बनावे। बिना विचारे जो नर करता आखिर में पछतावे रे आखिर में पछतावे। बिना विचारे जो नर करता आखिर में पछतावे रे आखिर में पछतावे। मेरी बात समझ में आवे रे मेरी किस्मत नाच नचागी रे। बात समझ में आवे रे मेरी किस्मत नाच नचा दे। पार्वती पति वरता कोन्या बात बना ली पाकी रे। पार्वती पति वरता कोन्या बात बना ली पाकी रे। मेरे सजनो बताया नंबर दूसरे। पार्वती के दाग लागो रो रो रुदन मचावे, हाय विदाता बुरी करी रे आंसूड़ा टपकावे। बोला भाई तलाक दे कर शिव शंकर जी अलग स्थान बनावे, बिना विचारे जो नर करता आखिर में पछतावे। मेरी बात समझ में आवे रे मेरी किस्मत नाच नचागी। पार्वती पतिव्रता को ने बात बना ली। पार्वती रो रो करके कहने लगी, बोले भाई इस मेरा भाग्य को दोष है। तो बताया तो मेरे सदनों, कवि ने कहा कि भाई जिसके घर में नारद घुस जाता है तो यही हाल होता है। जिसके घर में नारद घुस जा चैन नहीं पा बादे रह ले चैन नहीं पा बादे। जिसके घर में नारद घुस जा चैन नहीं पा बादे रह ले चैन नहीं पा बादे।
न्यारा घर कर वादे रह जा न्यारा घर करवा दे लड़टा बर टोली सासू भू पोली न्यारा घर करवा दे रे न्यारा घर करवा दे करे लड़ाई भाई भाई बांट चूंट आ दादे रह ले बांट चूंट आ दादे ओ करे लड़ाई भाई भाई धन बांट चूंट आ दादे रे धन बांट चूंट आ दादे बेटी का हाथ सु माता को बेटा सु बाप मर वादे रे बेटा सु बाप मर वादे बेटी का हाथ से माता को बेटा से बाप मरवा दे रे बेटा से बाप मरवा दे वो थाना पुलिस केस करवा दे नारद की नाराजी रे थाना पुलिस केस करवा दे नारद की नाराजी पार्वती पति नरता को न्या बात बना ली पाती रे हरि गो हरि हो बोले भाई जिसके घर में नारद घुस जा चैन नहीं पावा दे और करे लड़ाई भाई भाई बांट चूंट आदा एक घर में दो भाई भी हैं नारद घुस जाता है आखिर में वो दो भाई भी नारे होने की संभावना कर लेते हैं बोले भाई करे लड़ाई भाई भाई बांट चूंट आदा दे फिर बताया बोले भाई लड़े टावर टोली सासू भू पोली टावर टोली बार न लड़ आवो करें और सासुर भू दोनी पोली कमाए न लड़बो करें बोले भाई लड़े टावर टोली सासू भू पोली न्यारा घर करवा दे बेटी का हाथ से माता को बेटा से बात करवा दे बोले भाई थाना पुलिस केस करवा दे नारद की नाराजी पार्वती पतिव्रता को ना बात बना ली बाकी मेरे सजनों नारद की नाराजी हो जाए तो थाना पुलिस केस हो सकते हैं तो बताए नंबर चौथा आगे की अब सुनो वार्ता आगे क्या क्या होता है आगे क्या क्या होता है आगे की अब सुनो वार्ता आगे क्या क्या होता है आगे क्या क्या होता है हे नारद तेरी चोटी ऊपर पार्वती का मन रोता है पार्वती का मन रोता है हे नारद तेरी चोटी ऊपर पार्वती का मन रोता है ले पार्वती का मन रोता है मेरी जैसे सुन ले नारद एक दिन तू भी रोवेगा एक दिन तू भी रोवेगा मेरी बात सुन ले नारद एक दिन तू भी रोवेगा एक दिन तू भी रोवेगा बड़े मोमनी के चक्कर प्रभु बंद्र रूप तुझे देवेगा रे बंद्र रूप तुझे देवेगा बड़े मोमनी के चक्कर प्रभु बंद्र रूप तुझे देवेगा ले बंद्र रूप तुझे देवेगा राजेंद्र ने शरण राजेंद्र ने शरण शरण की नई नई कथा बना की रे राजेंद्र ने शरण शरण की नई नई कथा बना सी पार्वती पति वर्ता को न्या बात बना ली पाती हो
बोले भाई आगे की अब सुनो वार्ता, आगे क्या क्या होता है। और हे नारद तेरी चोटी उपड़े पार्वती का मन रोता है। पार्वती नारद जी को श्राप दे दिया, बोले भाई मेरी जैसे सुन ले नारद, एक दिन तू भी रोवेगा और पड़े मोहनी के चक्कर प्रभु बंदर रूप तुझे देवेगा। मेरे सजनों मोहनी के चक्कर में पड़ गया था नारद जी एक समय उसी श्राप से, तब बंदर का रूप दिया, हरि रूप जाकर के मांगा। हरि रूप भगवान का भी होता है लेकिन भगवान बंदर का रूप उसी श्राप से दिया था। राजेंद्र ले शरण चरण की नई नई कथा बना सी, पार्वती पतिव्रता को ना बात बना ली। आ तो सदनो पार्वती को भगवान शंकर तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद में आगे क्या होता है? पार्वती हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से क्या कहती है? एक समय की बात है, एक बार जो पार्वती का पिता राजा दक्ष था वो यज्ञ करवाया था, यज्ञ में जाने के लिए पार्वती भगवान शंकर से क्या हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है। भगवान शंकर कहने लगा, बोले भाई मैं तेरे को कम नहीं दूंगा। पति देव मुझे माफ करो, पति देव मुझे माफ करो, माफी चाहूं आसन ना मिले प्राण पिया मैं मर जाऊं। पति देव मुझे माफ करो, माफी चाहूं देव मुझे माफ करो, माफी चाहूं आसन ना मिल प्राण पिया मैं मर जाऊं। हो पतिदेव शंकर से कहने लगी, बोला भाई पति देव मुझे माफ करो, मैं माफी चाहूं अगर जो आसन ना मिले आपका तो प्राणपति मैं मर जाऊं। शंकर भगवान कहने लगा, बोला भाई मैं तेरे को वहां नहीं भेजूंगा क्योंकि जहां पर मेरा अपमान है और तेरा मान है तो क्या तू मेरे से बड़ी है? बोला भगवान मैं आपसे बड़ी तो नहीं हूं लेकिन आपका वहां मान है। अब राजा दक्ष के घर भगवान शंकर का कोई मान नहीं था, अपमान था, कालबेलिया समझता था। मेरे सदनों अब उसका वाक्य के अंदर वहां कोई आसन नहीं था तो पार्वती फिर कहने लगी, बोला पार्वती से कहता वो भेजा ना कोई नूता, बोला पार्वती से कहता वो भेजा ना कोई नूता, बोला पार्वती से कहता वो भेजा ना कोई नूता, बता कैसे जाऊं, बता कैसे जाऊं। आसन ना मिल प्राण पिया मैं मर जाऊं।
सदनो बोले भाई बोला पार्वती से कहता वो भेजा ना कोई न्योता। बोले भाई ना ही तो कोई न्योता कोई संदेशा अपने पास में भेजा तो मैं तेरे को कैसे भेजूं। बोला पार्वती से कहता वो भेजा ना कोई न्योता बता कैसे जाऊं बता कैसे जाऊं आसन ना मिले प्राण पिया मैं मर जाऊं। इतनी बात सुनकर के पार्वती कहने लगी भगवान शंकर से अरे पार्वती यूं बोली मेरी मरी उठेगी डोली। पार्वती यूं बोली मेरी मरी उठेगी डोली। आ पार्वती यूं बोली मेरी मरी उठेगी डोली पानी भी ना पीऊं पानी भी ना पीऊं पार्वती यूं बोली मेरी मरी उठेगी बोली। बोले जब भगवान अगर आपका आसन नहीं मिले तो मेरी वहां से एक दिन तो आपके साथ में शादी हुई थी तब सज धज करके डोली खुशी की डोली थी और ये मेरी मरी अगर आपका आसन नहीं मिलेगा तो मेरी मरी हुई डोली वहां से उठेगी। पार्वती यूं बोली मेरी मरी उठेगी डोली पानी भी ना पीऊं पहले मैं आपका जाकर के आसन देखूंगी इससे पहले मैं अन्न पानी भी नहीं करूंगी पानी भी ना पीऊं आसन ना मिले प्राण पिया मैं मर जाऊं। अब इतनी बात भगवान शंकर से पार्वती कही तो भगवान शंकर कहने लगा बोले भाई ये मानत अपनी मानत तो नहीं गी लेकिन फिर भी पार्वती मैं तेरे को तलाक दे चुका अब मैं तेरे को कुछ नहीं कह सकती। अरे तलाक दे दिया तुझको कहने का फर्ज नहीं मुझको। तलाक दे दिया तुझको कहने का फर्ज नहीं मुझको। हाँ तलाक दे दिया तुझको कहने का फर्ज नहीं मुझको बता के। तलाक दे दिया तुझको कहने का फर्ज नहीं मुझको कैसे मैं नट जाऊं भगवान शंकर कहने लगा पार्वती से बोले भाई तलाक दे दिया तुझको कहने का फर्ज नहीं तुझको। बोले भाई मेरे को अब कोई फर्ज नहीं है ना ही तो मैं तेरे को रोक सकूं और ना ही तेरे को मना कर सकूं। तलाक दे दिया तुझको कहने का फर्ज नहीं मुझको बता कैसे नट जाऊं आसन ना मिले प्राण पिया मैं मर जाऊं। इतनी सुनकर के पार्वती बहुत जबरदस्त रोती है आंखों में आंसू भर करके कहने लगी अरे रो रो कर रुदन मचावे पिया मेरा क्या में जीव जड़ावे रो रो के
आसन ना मिल प्राण पिया मैं मर जाऊं हो। पति देव मुझे माफ करो माफी चाहूं। सदनों पार्वती कहने लगी बोले भाई रो रो कर रुदन मचावे पिया मेरा क्यांडे जीव जलावे उखम बिन ना जाऊं। बोले भगवान आपके उखम के बिगर तो मैं जाना तो दूर है एक कदम भी यहां से बाहर नहीं रखूंगी। उखम बिन ना जाऊं आसन ना मिले प्राण पिया तो मैं मर जाऊं। तो मेरे सदनों इतनी बात कहते ही भगवान शंकर पार्वती से कहने लगा बोले भाई जो मैं ये बात तेरे को पहले भी कह चुका हूं मैं अब भी ये तेरे को बात कहना चाहता हूं। तो क्या भगवान शंकर पार्वती से वातावरण कहता है अरे मेरी बात हृदय में दर ले साई लाख जतन तू कर ले। मेरी बात हृदय में डर ले तू चार लाख जतन तू कर ले। मेरी बात हृदय में डर ले साई लाख जतन तू कर ले। मेरी बात हृदय में डर ले तू लाख जतन तू कर ले। शंकर भगवान कहने लगा बोले भाई मेरी बात हृदय में धर ले चाहे लाख जतन तू कर ले। चाहे लाख जतन कर ले लेकिन मैं एक ही बात कह दी उस बात को तू लो की लीक मान। बोले भाई मेरी बात हृदय में धर ले चाहे लाख जतन तू कर ले। मर ले नहीं अपना हूं आसन ना मिले प्राण पिया तो मैं मर जाऊं। चाहे तुम मर भी क्यों नहीं जाए लेकिन मैं तेरे को नहीं अपनाऊंगा। इतनी बात सुनते ही पार्वती कहने लगी अरे किस्मत को दोष हमारा ये पड़े भोगना सारा। किस्मत को दोष हमारा ये पड़े भोगना सारा। ओ किस्मत को दोष हमारा ये पड़े भोगना सारा। किस्मत को दोष हमारा ये बड़े भोगना सारा। यही नर फिर पाऊं यही नर फिर पाऊं। आसन ना मिल प्राण पिया मैं मर जाऊं हो। पति देव मुझे माफ करो माफी चाहूं।
हाँ तो सदनो, पार्वती गुस्से में आकर के राजा दक्ष के घर पर चली जाती है। जाकर के देखा तो वहां कोई आसन नहीं मिला, तो प्रथम कुंड में पड़कर के पार्वती खत्म हो जाती है। तब इंद्रदेव को क्रोध आया और उधर से भगवान विष्णु और जैसे भगवान शंकर को भी पता पड़ गया। अरे जब इंद्रदेव थर्राया शिव क्रोधित होकर आया, शिव इंद्रदेव थर्राया शिव क्रोधित होते आया, हो जब इंद्रदेव थर्राया शिव क्रोधित होकर आया। राजेंद्र राव सुनाया गुरु माली राम सा पाया, राजेंद्र राव सुनाया गुरु माली राम सा पाया, राजेंद्र राव सुनाया गुरु माली राम सा पाया। ग्राम धानु ता बताऊं, ग्राम धानु ता बताऊं, आसन ना मिल प्राण पिया मैं मर जाऊं। राजेंद्र राव ग्राम धानुता निवासी, दौलत मास्टर सदीक भाई, मंजिरा वादक हीरालाल गुजर और हमारे साथी भाई श्रीमान नंदू सिंह नाथावत पान भंडार और